केसर, वो रंग जो राष्ट्र ध्वज की ऊपरी पट्टी के साथ राष्ट्र के नक्शे के ऊपरी हिस्से की भी शोभा है। जी हाँ, कश्मीर में उगाए जाने वाले केसर को दुनिया का सबसे महंगा मसाला कहा जाता है, और हो भी क्यों ना, आखिर 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाए जाने वाले इस मसाले की कीमत 1,00,000 रुपए प्रति किलो तक हो जाती है। इस बार कश्मीर घाटी में 18 टन केसर का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय सैफरन मिशन के अंतर्गत काम तेजी से चल रहा है और इस कारण उत्पाद आने वाले समय में और बढ़ेगा। बात साल 2010 की है, जब घाटी में केसर का उत्पादन मात्र 10 टन रह गया था। तब सरकार ने 3500 हेक्टेयर भूमि पर 410 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय सैफरन मिशन को लागू करने की मंजूरी दी थी, और इस मिशन का नतीजा अब सबके सामने है। कश्मीर में श्रीनगर, पुलवामा और बड़गाम जिलों के 30,000 से अधिक परिवार केसर की खेती से जुड़े हुए हैं। एक केसर का खेत पूरे खानदान को रोजगार देता है। केसर की खेती में भी सामान्य फसलों की तरह ही खुदाई, बुवाई, सिंचाई लगती है, लेकिन असली मेहनत फसल तैयार होने के बाद होती है। महज 1 किलो केसर को तैयार करने के लिए किसानों को 1.5 लाख केसर के फूल चुनने होते हैं। फिर हर एक फूल में से स्टिग्मा यानी वर्तिका निकालकर उसे सुखाना होता है। इसके बाद ही केसर बाजार में जाने को तैयार होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर के ज्यादातर किसान अभी भी पारंपरिक तरीके से केसर की खेती करते हैं, जो कि बारिश पर निर्भर है। इस वजह से जब 2014 में बाढ़ आई थी और 2017 में सूखा पड़ा, तो उस साल केसर उत्पादन का आंकड़ा 2.5 टन के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका था। यही कारण है कि सरकार ने नेशनल सैफरन मिशन के तहत स्प्रिंकलर वाटर इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया, ताकि पर्याप्त बारिश यदि न भी हो तो उससे फसल को नुकसान न पहुंचे। कश्मीर के लिए एक समय ऐसा भी आया जब किसान केसर की खेती छोड़कर सेबों के बाग लगाने लगे या केसर के खेतों को रियल एस्टेट में लगाने लगे। इस पर सरकार ने सख्त कदम उठाया और केसर के खेतों को बेचने या उसका कोई दूसरा इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, केसर की खेती फिर से किसानों की पसंद बन रही है। कश्मीरी केसर को GI टैग मिलने के बाद इसकी लोकप्रियता बाजार में और ज्यादा बढ़ी है। किसानों की बढ़ती रुचि और सरकार के साझा प्रयासों के कारण 2010 में केसर का जो उत्पादन 1.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता था, वो आज बढ़कर 4.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। तो कश्मीर घाटी भी गुलजार है और केसर के खेत भी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़े दिनों बाद केसर का रंग इतना खिलकर आया है।